उत्तर प्रदेश में देवरिया जनपद के प्राथमिक शिक्षा संघ के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट देवरिया में प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। अपने संबोधन में शिक्षक नेताओं ने कहा कि प्रेरणा ऐप के जरिए प्रदेश सरकार शिक्षकों की उपस्थिति व विद्यालयों की मॉनिटरिंग शिक्षकों के ऊपर अन्याय है, क्योंकि शिक्षकों के लिए प्रेरणा ऐप के लिए ना तो स्मार्टफोन है और ना ही इंटरनेट पैक रिचार्ज की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों के ऊपर यह कार्य थोपा जाना न्यायोचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में देवरिया जनपद में रुद्रपुर में रेल जोड़ो अभियान की मांग तेज हो गई है। रुद्रपुर बस स्टेशन पर क्षेत्रीय नेताओं ने आम जनता के सहयोग से हस्ताक्षर अभियान चलाया। रुद्रपुर एक पौराणिक तीर्थ स्थल है जो दूसरी काशी के रूप में विख्यात है। ये क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र है तथा जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा का शिकार है। यहाँ कोई कारखाना न होने के कारण युवाओं को रोजगार हेतु बाहर जाना मजबूरी है। रुद्रपुर को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग काफी अरसे से चली आ रही है, लेकिन हर बार रुद्रपुर को उपेक्षा का दंश झेलना पड़ता है। इस कारण रुद्रपुर के नेताओं ने अब ठान लिया है कि जब तक रेल मार्ग से जोड़ा नहीं जाता, हम बैठने वाले नहीं हैं। बुलंदशहर के खानपुर ब्लॉक में स्थित जनता शिक्षा सदन इंटर कॉलेज लढ़ाना में बालिकाओं के लिए 5 शौचालय का निर्माण कराया गया है। इन शौचालयों का निर्माण किसी और ने नहीं बल्कि स्कूल के ही शिक्षक सुनील दीक्षित ने अपने वेतन से करवाया है। दरअसल 5 दशक पुराने इस स्कूल में लगभग 800 छात्र छात्राएं हैं, शिक्षारत हैं, और इनमें करीब 400 लड़कियां हैं जिनके लिए स्कूल में अलग से महज एक ही शौचालय था। शौच जाने के लिए छात्राओं की लंबी कतार लगती थी और घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। शौचालय की कमी के कारण छात्राओं के सामने कहीं ज्यादा दिक्कतें थी। कुछ तो शौचालय जा ही नहीं पाती थी तो कुछ इस समस्या के चलते स्कूल आने से भी कतराती थी या फिर खुले में शौच जाने को मजबूर होती थी। अध्यापक सुनील कुमार दीक्षित ने अपनी सैलरी से करीब 80,000 रुपयों से इस नेक मुहिम को अंजाम देने का फैसला किया। 5 शौचालयों में साफ सफाई और पानी का इंतजाम किया गया ताकि छात्राओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और उनका स्कूल आना बीच में ना छूटे। मेरठ के थाना प्रतापपुर पुलिस ने बाइक चोरी और लूट करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को धर दबोचा है, जिनके बाद से पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद की है। अभियुक्त इतने शातिर हैं कि ये लोग चोरी किए हुए वाहनों को OLX पर बेचते थे। फिलहाल पुलिस इनके अन्य साथियों की धरपकड़ में जुटी है। गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। जब पुलिस मीरा की रेती में चेकिंग कर रही थी तभी सामने से मोटरसाइकिल सवार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इस पर मोटरसाइकिल सवार भागने लगा। जब पुलिस ने इसका पीछा किया तो मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसकी गोली बदमाश के पैर में जा लगी। पूछताछ पर पता चला कि बदमाश डबल मर्डर का हत्यारोपी प्रेमी है जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने घायल बनवास को चिकित्सा हेतु CHC में भर्ती कराया है। यूपी के शाहजहांपुर में आरोप लगने के बाद स्वामी चिन्मयानंद आज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से नाराजगी भी व्यक्त की। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर स्वामी सुखदेवानंद लॉ कॉलेज की LLM लॉ की एक छात्रा द्वारा फेसबुक पर 24 अगस्त को एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें एक सन्यासी द्वारा कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने एवं उसे व उसके परिवार को जान का खतरा बताया गया था, जिसके बाद से लड़की लापता हो गई थी और छात्रा के पिता ने शहर कोतवाली में चिन्मयानंद के विरुद्ध लड़की को अपहरण करने एवं जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज करवाया था। बाद में यह मामला जनहित याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। क्या कुछ स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती उनकी शिक्षण संस्थानों को बदनाम करने के लिए जो ये षड्यंत्र रचा गया है और ये पूरा प्रकरण जो मीडिया में आया है, इसकी जांच करने के लिए कॉलेज प्रशासन और प्रबंधन की तरफ से 3 सदस्यों के अधिवक्ताओं की एक समिति का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंद्र सिंह चौहान जी करेंगे और उस टीम में अवधेश सक्सेना जी, मुनेंद्र शुक्ला जी सदस्य के रूप में उनका सहयोग करेंगे। ये जांच टीम